बेटे की लक्ष्मण रेखा का प्रोमो देखकर आप सोच रहे होंगे कि बहुत इंटेंस है, लेकिन ये इंटेंस नहीं है, इसका मुद्दा इंटेंस है। जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत लाइट हार्टेड तरीके से हम लोग बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ में वो मैसेज देने वाले हैं लोगों को, जो कि समाज में जो लक्ष्मण रेखाएं खींची गई हैं, समाज में जिस भी तरह की छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो लड़की का घर से 7 बजे बाहर निकलना हो, चाहे घूंघट की बात हो, चाहे वो आप घर के फंक्शन में म्यूज़िक रहे तो वहाँ डांस नहीं कर सकते, ये छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सब उन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, वहाँ बोला जाएगा। और एक ऐसा बड़ा मुद्दा जिसके बारे में हर एक आदमी जो है सोचता है, हर एक आदमी के लाइफ का हिस्सा है, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं कर पाता है, कुछ कर नहीं पाता है उस मुद्दे के बारे में। तो ऐसा ही हम एक मुद्दा उठाएंगे और वो मुद्दा समाज के सामने पेश करेंगे, उनको सोचने के लिए मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि क्या ये सही है और हमें क्या करना चाहिए इसके। एक्चुअली काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। कंचन स्ट्रॉन्ग है, शिवानी भी स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, एंड मैं भी सबसे बड़ी हूँ अपने फैमिली में, एंड जो बट हाँ मैं उतनी ज़्यादा अपने फैमिली को इतना नहीं संभाल पाती जितना कंचन संभाल पाती है, सो आई कैन से कि थोड़ा बहुत तो है। एंड लक्ष्मण रेखा जैसे है, कंचन बिलीव नहीं करते, एंड मैं भी पर्सनली नहीं बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों में, बिकॉज इट्स ओके, आपको पता है आपको आपके सामने क्या सही है क्या गलत है, तो आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। एंड मेरी फैमिली ने कभी लक्ष्मण रेखा मेरे लिए क्रॉस मतलब खींची नहीं है, तो मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। मेरा जो किरदार है शो में बहुत ही पिवोटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी रानी हूँ, दिव्यानी ठाकुर जो विशेष की मॉम हूँ, और पूरे घराज घराने को कंट्रोल करने वाली एक फैक्टर हूँ, प्रिंसिपल्स की औरत हूँ, हॉनेस्टी को बिलीव करती हूँ, सच्चाई में विश्वास करती हूँ, झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, और अपने बेटे से बेहद प्यार करती हूँ। तो अगर मुझे कुछ पिघला सकता है तो वो है विशेष, और कोई नहीं और कोई ताकत नहीं, सो दिव्यानी इज़ दैट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मैं तो जब मेरी बेटी 10th 10 साल की थी, तो उस वक्त उसको मैंने अकेले ऑटो से आने के लिए बोला था, अंधेरी गोरेगांव ईस्ट से, तो मेरी वाइफ ने बहुत गुस्सा किया था इस बात का कि इतनी छोटी सी बेटी है और उसको आप नहीं बुला सकते। तो मैं वापस गया और उसको नहीं पता था, मैं वापस गया और उसको नहीं मालूम था कि मेरा बाइक जो है उसके ऑटो के पीछे पीछे है, एंड आई सेड कि उसको आने दो अकेला। तो मैं उसके पीछे पीछे जाके उसको ये 10th 10 साल की उम्र के अंदर ही उसको ये कॉन्फिडेंस दिया था कि वो अकेले जा सकती है। जब वो 10th में गई तो 10th में वो पूरा अमेरिका घूम के आई है अकेली। तो मैं ऐसा फादर हूँ जो इस सीरियल में भी अपने आप को, इस जो मेरी बेटी है कंचन, उसके साथ में भी मेरा यही व्यवहार है कि वो मैं चाहता हूँ आगे बढ़े ज़िंदगी में, और उसके ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्मण रेखा ना हो और वो खूब तरक्की करे और ख्वाब देखे। लड़कियों को हम ख्वाब देने से रोकते हैं, ये सीरियल के अंदर जो मेरा कैरेक्टर है वो अपनी बेटी को बोलता है, बेटी तुम ख्वाब देखो, उसको पूरा करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और कदम बढ़ाओ आगे। तो रियल लाइफ में भी हमें लड़कियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब सिर्फ ये कि वो इतनी रिस्पेक्ट करें, बाकी कंट्रोल लड़कियों को दे देना चाहिए कि हाँ कि वो हमें लीड करें कि पापा देखो मैंने ये किया है, और वी शुड फील प्राउड। मतलब अपने माँ बाप को वो ज़रूर गर्व महसूस करवाएंगी अगर आप उनको खुला छोड़ेंगे, उनके आगे की लक्ष्मण रेखाएँ मिटाएँगे।